हेलो एवरीवन दिस इज़ अमित पांडे वेलकम टू डाउटनेट क्लासेस तो कैसे हैं बच्चा आप लोग बच्चा पार्टी आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की बात करेंगे टॉपिक का नाम क्या है टॉपिक का नाम है हाउ टू रिमेंबर डेट्स भाई एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये बच्चों की नाइन्थ और टेंथ के स्पेशली जो टेंथ बोर्ड के जो बच्चे हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं इनके तो यार इन्हें डेट्स को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एट दी एंड आप रट्टा मारते हो मेरे को अच्छे से पता है लेकिन 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 भाई रटना इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन तो भाई आज मैं दो तीन टेक्निक लेके आया हूँ आपके लिए इससे आप बिना रटे आप डेट्स को याद रखोगे और भाई आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे ठीक है ना तो भाई इस बारे में हमारा ये सेशन और एंड तक देखना है बहुत ही छोटा सा सेशन है ये ठीक है तो प्लीज़ और भाई जो भी बच्चे पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ यह सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो जो भी करना है करो लेकिन प्लीज़ ज़रूर करना ठीक है और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना चलिए तो भाई अगर डेट्स की मैं बात करूं तो भाई डेट्स को कैसे याद करें डेट्स को कैसे याद करें मेन ये प्रॉब्लम है बच्चों की तो भाई डेट्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है यार किस्सा ही खत्म डेट्स को याद करने की या याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे दो या तीन टेक्निक मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं डेट्स के रिगार्डिंग ठीक है ना चलिए तो भाई एंड तक देखना है सेशन को ठीक है एंड तक चलिए तो भाई सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, भाई बात चल रही है एक्चुअली एस एस की तो एस एस में हम डेट्स किस में याद करते हैं तो भाई एस एस में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें डेट्स से रिगार्डिंग तो भाई हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो भाई देखो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होती है हमारी टाइमलाइन ठीक है हमारी जो स्टोरी होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है अगर आप डेट पे फोकस ना करो अगर आप एक कहानी पे फोकस कर रहे हो ठीक है ना और चीज़ों को एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हुए चल रहे हो ना तो हिस्ट्री में आपको डेट्स को याद रखने की जरूरत ही नहीं है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ठीक है ना तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चलिए तो भाई लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो महात्मा गांधी का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया ठीक है ना तो एक पर्टिकुलर आप टाइमलाइन को फॉलो करो एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी को फॉलो करो सर क्रोनोलॉजी क्या होता है देखो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसे एक ऑर्डर में देखो आप ठीक है ना अब फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की एंट्री होती है इंडिया में नाइनटीन में ठीक है गांधी जी की एंट्री होती है इंडिया में नाइनटीन में और फिर गांधी जी लॉन्च करते हैं अपना सत्याग्रह मूवमेंट अब सत्याग्रह की जो स्कीम होती है उसकी मार्केटिंग चल रही होती है तो पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है चंपारण मूवमेंट 1916 में एंड देन 1917 में होता है खेड़ा मूवमेंट एंड 1918 में होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ठीक है ना फिर इसके बाद अगर हट के देखें थोड़ा सा फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो होता है नाइनटीन में और सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट होता है नाइनटीन में अब एक बार मतलब एक मिनट को ना ये जो डेट्स है ऐसे मत देखो सिर्फ ये जो टाइम है ये जो क्रोनोलॉजी बन रही है ना ये जो ऑर्डर बनना है सिर्फ इसे देखो डेट्स को भूल जाओ तो ये महात्मा गांधी जी आते हैं महात्मा गांधी आने के बाद अपनी जो सत्याग्रह की स्कीम है उसे लॉन्च करते हैं ठीक है फिर वो जाते हैं चंपारण में एंड देन वो खेड़ा में वैसे लॉन्च करते हैं एंड देन फिर वो अहमदाबाद में भी जो मिल स्ट्राइक वर्कर्स होते हैं उनके साथ में भी इस स्कीम को इस स्कीम को अप्लाई करते हैं ठीक है उसके बाद वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं एंड देन वो सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट को शुरू करते हैं ठीक है डेट्स को हमने याद नहीं रखना है डेट्स को सिर्फ हमने क्रोनोलॉजी को याद रखना है अब यहां पे डेट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी जैसे ही आप ठीक है ना तीन चार बार जो भी क्रोनोलॉजी है ठीक गांधी जी आए उसके बाद चंपारण मूवमेंट उसके बाद खेड़ा मूवमेंट एंड देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उसके बाद नॉन कॉपरेशन शुरू करते हैं गांधी जी और उसके बाद सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट शुरू करते हैं तो हमें एक यहाँ पे एक टाइमलाइन पता है स्टोरी पता है ठीक है स्टोरी का जो ऑर्डर है वो पता है जितने भी इवेंट्स हुए हैं इतने भी सारे इसका जो ऑर्डर है वो भी पता है तो डेट्स यहाँ पे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी ठीक है ना तो भाई एक मतलब डेट्स को रटने की बजाय आप टाइमलाइन पे फोकस करो स्टोरी पर फोकस करो ठीक है ना डेट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी ठीक है ना ये है पहली टेक्निक अब हम दूसरी निंजा टेक्निक पर आते हैं अब भाई कुछ बच्चों को ये भी काफी टफ लग रहा होगा ठीक है ना सर ये भी काफी टफ है इससे भी इजी चाहिए तो भाई इससे भी इजी एक टेक्निक है मेरे पास वो क्या है वो है भाई देखो बहुत ही सिंपल है एक सेंचुरी जो होती है वन सेंचुरी इक्वल्स टू हंड्रेड इयर्स सौ साल के बराबर होती है इसे आप चार क्वार्टर में डिवाइड कर लो ठीक है क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर अब आपको डेट्स को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है ना अगर मान लो बात हो रही है नाइनटीन की नाइनटीन की बात हो रही है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो अब ये तो पता है ना फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है अब इतना तो याद रहेगा कि किस में फर्स्ट क्वार्टर में इन द मिडिल ऑफ क्वार्टर वन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर मान लो इन दिग्निंग ऑफ द क्वार्टर वन ऐसे भी लिख सकते हो तो आप में डिवाइड करके डेट्स को मेंशन कर सकते हो फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बट थोड़ा वो होता है ना कि अगर आप डेट्स लिख देते हो अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद रहती है थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है तो यहाँ पे अगर आप डेट याद है तो अच्छी बात है ठीक है ना अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है आप क्वार्टर वाइज डिवाइड करके लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ठीक है इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इन द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऐसे करके आप डेट्स को लिख सकते हो ठीक है तो भाई याद रखने की जरूरत ही नहीं है एक लास्ट ट्रिक है एक लास्ट टेक्निक है बहुत ही प्यारी टेक्निक है ये क्या है रूल ऑफ ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू है डेट इसे आप क्या लिख सकते हो इसे आप लिख सकते हो अर्लीज अर्न टीज लिख सकते हो तो आपको अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता है लेकिन आपको इतना पता है कि उसके आसपास की डेट पता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ठीक है ना तो भाई ये जो तीन टेक्निक है इस पर फोकस करो और आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डेट्स को ठीक है ना चलिए तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और अगर ना समझ में आए तो फिर से देखना आ जाएगा ठीक है ना चलिए तो भाई पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो ठीक है मिलेंगे अगले लेक्चर में ठीक है तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर